हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, या हम लोग रोज पेपर में या रोज टीवी पे इस तरह की न्यूज देखते हैं, तो जो जिस तरह का जो हमारे दिमाग में डर होता है वो तो पैदा हो जाता है, उसके लिए आपको खुद मॉलेस्ट होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप, चाहे मैं हूँ, मेरे आसपास सिक्योरिटी रहती है, लेकिन जब मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे क्राउड हजारों की तादाद में होता है, देन यू नो यू ऑलवेज इनसिक्योर कि किस तरह के लोग हैं और ये हंगामा मचा रहे हैं, किस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक किस तरह की न्यूज़ देख के सभी को ट्रॉमा हो जाता है, खासकर जब आप हर सुबह एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ देखने लगते हैं, तो आपके घर की, चाहे वो आपके कजिन्स हों, चाहे छोटी लड़कियाँ हों जो स्कूल जाते हों, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आस पास बॉडी गार्ड्स हैं तो यू आर सिक्योर, दैट्स नॉट ट्रू। वेल आई थिंक इन माई फैमिली the one accident that has affected me the most is my sister's accident, and now every day when I hear about people throwing acid on girls, it's just something that, you know, it just, I get bruised flesh and I just don't know how to deal with it, because every girl is, for me, it's just like how my sister dealt with it at that tender age. So it just it has scarred me to a certain extent. So when I see these girls, I don't know if I would want to investigate, but I wish that, you know, something can be done about it. So if I was a crime journalist, I would probably, you know, go after these people who are eve teasers or, you know, do stupid things like this.